और हमारा नमन लेके आ गया है बहुत ही प्यारे से पुलम, बहुत सारी नाश्ता तो मैं चखती हूँ। ठीक है तो दोस्तों अभी मैं तोड़ रही हूँ आड़ू, पे मेरे चप्पल पे कांटा चुभा हुआ है। सेब के पेड़ ने पहनी है जैकेट, 50 रुपए में खरीदी है सच में। मैं मोची हूँ। तो यहाँ पे अम्मा और योगिता का चल रहा है डांस। हेलो दगड़ियो, नमस्कार पलक, तभी बजे हैं सुबह के 10:30। तो चलिए एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की एक नई इससे शुरुआत करते हैं। और हमारा नमन लेके आ गया है बहुत ही प्यारे से पुलम, और आसमान पे आज बादल छाए हुए हैं। तो दोस्तों अभी मैं और दीदी जा रही हैं ऊपर रोड पे, वहाँ पे हमारा एक खेत है जिस खेत पे आड़ू पके हुए हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं, आड़ू तोड़ते हैं, खाते हैं और बेचते हैं। और इस खेत पे लगाई हुई है बीन्स, आप देख सकते हैं। और सामने इस पेड़ पे लगी हुई है बहुत सारी नाशपाती, आप देख सकते हैं। और जैसे ही मैं खेत पे पहुंची तो दीदी बोली कि यहाँ पे जो पुलम हुआ है ना, दिख रहा है, हाँ कुछ दाने बचे हैं, पहले किसी ने तोड़ दिए, हमारा पेड़ नहीं है। तो बोल रही है कि बहुत मीठा हुआ है, चखना, तो मैं चखती हूँ। ठीक है, तो खाते हैं। सच में बहुत टेस्टी हुआ है। तो दोस्तों ये ऊपर है रोड, वो पीछे है आड़ू का पेड़, और वहां पे तोड़ रही है दीदी आड़ू, और ये हूं मैं। तो दोस्तों जल्दबाजी के चक्कर में मैं अपने बाल बांधना भूल गई थी, तो मैंने अपने बाल बांध लिए और अब मैं भी तोड़ती हूँ आड़ू। तो दोस्तों अभी मैं तोड़ रही हूँ आड़ू और कैमरामैन बनी हुई है मेरी दीदी। तो दोस्तों आड़ू तोड़ के मैं अब घर को जा रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे सर पर टोकरी और इस पर रखे हमने आड़ू इसके अंदर, और मेरे पैर पर चुभ गया कांटा, चप्पल से ऊपर आ गया, चप्पल से लग के ऊपर मेरे पैर पे। अब देख सकते हैं मेरे चप्पल पे कांटा चुभा हुआ है, चप्पल पे, दिख रहा है। तो दोस्तों शाम के बजे हैं 5 और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बहुत ही बुरी आंधी चल रही है, सच में बहुत बुरी चल रही है। हमारा सारा सामान इधर उधर उड़ के चला गया, अभी उसे हम ढूंढ के लाएंगे। बहुत सारी चीज़ें गई हैं, जो हल्की थी वो चीज़ें गई हैं। और यहाँ पे हो रही है आड़ू के वो पुलम के डिब्बों की पैकिंग, और मम्मी मेरे से कह रही है कि थोड़ा बच के रहना, कहीं तो उड़ ना जाए। और दोस्तों मेरा टॉप बेचारा आप देख सकते हैं हवा मोड़ के पूरा गंदा हो गया है। और सामने दोस्तों हमारा नमन आदि पागल हो गया, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ ऊपर रोड पे ये डिब्बा रखने। दोस्तों डिब्बा मैंने रख दिया है, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे तो मैं खुद नहीं गई, योगी गई रखने। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही यूनिक चीज़, ठीक है। लोग मॉडर्न, खाना मॉडर्न, जमाना मॉडर्न, सब कुछ मॉडर्न, तो पेड़ क्यों रहेंगे पीछे, चलिए देखते हैं जल्दी, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सामने ये है सेब का पेड़, और सेब के पेड़ ने पहनी है जैकेट, वाह बहुत मॉडर्न सेब का पेड़ है ये सच में। तो दोस्तों अभी मैंने नमन से बोला कि आराध्या आ गई, आराध्या आ गई, जल्दी चल जल्दी चल, तो इसे लगा कि आराध्या आई है खेलने के लिए, तो ये बोल रहा है मैं खेल के आऊँगा, इसे नहीं पता कि गाड़ी का नाम आराध्या है। तो दोस्तों शाम के बजे हैं 6 और मैं पकड़ी हुई हूँ हाथ पे चप्पल, ये है मेरी प्यारी सी चप्पल, और इस पे चुभा है ये प्यारा सा गंदा सा कांटा, सॉरी प्यारा बोल दिया, गंदा कांटा बोलूँगी इसे मैं। और ये चप्पल बहुत ही प्यारी सी चप्पल है, ये चप्पल मैंने मात्र 50 रुपए में खरीदी है। कितने रुपए में खरीदी है, बोलो सामने बोलो। 3 रुपए में खरीदी है, ये झूठ बोल रहा है, 3 रुपए में चप्पल नहीं मिलती, आप सबको ही पता ही है, 50 रुपए में खरीदी है सच में। तो ठीक है कांटा निकालते हैं, जल्दी आओ। तो दोस्तों मेरे अंदर आ गई है
मोची की आत्मा, आप देख सकते हैं। चुप रहा आता है बहुत बुरा सा। मैं मोची हूँ, मैं मोची हूँ, ये ऐसा नहीं निकलेगा ना। से मेरा वो ले आ दे, मेरा पर्स ले आ दे, जा मेरा पर्स ले छोटा वाला, उसमें पीने ना, उससे निकल, चिमटी है, चिमटी से निकालूंगा छोटी सी। दोस्तों हमें पहाड़ी और हमको ढोलक की जरूरत नहीं रहती है, हम सीमेंट को चप्पल हम सीमेंट को चप्पल से बजाकर ही ढोलक बना देते हैं। एक काटा मैंने और अंदर डाल दिया मार मार के। दोस्तों यह है मेरा प्यारा सा पर्स, इसके अंदर होगी प्यारी सी चिमटी, देखती हूँ है तो अगर मैं लगा लेता हूँ। दोस्तों मेरे पर्स पे मिल गया है मुझे चांद, मेरे हाथ गंदे थे बट खा लेना अम्मी, कुछ नहीं होता, ले आ करो खा लेना अम्मी। इस बच्चे को साइड करना पड़ता है, बीच बीच में आता है हर बार। चिमटी मुझे मिली नहीं, बस चांद सितारा मिला, जिसमें थोड़ी एनर्जी आई, थोड़ा दिमाग काम कर रहा है मेरा। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद मेरी 50 रुपए की चप्पल से कांटा निकल गया है। तो दोस्तों हम ठहरे पहाड़ी और हम 50 रुपए की चप्पल को भी क्या ढोलक बना देने वाले। आपको समझ नहीं आएगा, ये बोल रहा है हम 50 रुपए की चप्पल को भी 2 लाख वाली बना देते हैं। इसका इतना अच्छा यूज करते हैं, इतना अच्छा यूज करते हैं कि 2 लाख वाली चप्पल भी इसके सामने फेल हो जाती है। चलो बच्चा, तो यहाँ पे अम्मा और योगिता का चल रहा है डांस। गाना भी गाओ जल्दी जल्दी। मेरे पहाड़ों तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अम्मा को कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। तो दोस्तों शाम के बज रहे हैं 6:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं खेत में, क्योंकि हम लोग ना आपको पता ही बहुत बेकार लोग हैं, जब सब लोग घर को आते हैं तो हम लोग खेत में जाते हैं। तो दोस्तों खेत पे हम आ गए हैं और आप पीछे देख सकते हैं कि इन लोगों ने सारा पानी ही पानी डाल दिया है मिर्ची पे, मिर्ची सूख रही थी। तो दोस्तों पानी डालने के बाद मिर्ची में भी जान आ गई है और कांटा निकलने के बाद मेरे चप्पल में भी जान आ गई है। तो काम सारा हो गया है, इन्होंने सारा काम कर लिया था हमारे यहाँ आने तक, और अब हम चलते हैं घर को, घर जाके बनाते हैं खाना। और घर लाइट गई हुई है, अगर लाइट आएगी तो ब्लॉग एडिट होगा, अगर नहीं आएगी तो देर में आएगा, ठीक है।